नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण चौधरी, आप देख रहे हैं जी चौधरी चैनल। मेरा फ्रेंड चैनल था, आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं, यहां पे मेरे पास है हरी कलम कंपनी की तरफ से आने वाले, देखिए इमा मैक्टिन बेंजोएट 5 cc। तो आज हम बात करने वाले हैं रेड कलम के बारे में, जो कि है मेरे पास, ये देखिए, ये एक दवाई है जो कि खेतों में स्प्रे करने के लिए एग्रीकल्चर यूज में इसका यूज़ किया जाता है। तो आज हम बात करने वाले इसमें क्या क्या मिल जाता है। और सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे बॉक्स हंटन की, जो कि इस प्रकार का बॉक्स मिलता है, जो कि ये है रे कलम, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है ISO 9001:14 सर्टिफाइड कंपनी है, जो कि ये देखिए कीटनाशक और जो है किसी भी प्रकार के एक्रीसाइड को जो है वाली मार जो है ख़त्म करने का काम करती है। तो ये है बॉक्स जो कि आपको कुछ इस प्रकार से मिल जाता है, येलो कलर में वाइट और येलो का कॉम्बिनेशन है, और कुछ इस प्रकार से मिल जाती है, जो कि ये है इसकी डिजाइन। और अब बात कर लेते हैं इसमें कंटेंट क्या मिल जाता है। तो अगर कंटेंट की बात करें तो इमामेक्टिन बेंजोएट इसमें 5 cc मिल जाता है। धानुका कंपनी की तरफ से आने वाली EM1 में BASF कंटेंट आता है। तो आप किसी भी कंपनी की ले सकते हो इमामेक्टिन बेंजोएट, अगर आप कीटनाशक में लटे वगैरह मारने के लिए जो है जीरे में अथवा किसी भी मेथी वगैरह की फसल में, अगर आप गेहूँ में अथवा किसी भी फसल में अगर आपके जो लटे हैं और छोटे छोटे कीट है उसको मारने के लिए जो है इसका यूज किया जाता है। और सबसे ज़्यादा यूज इसका मूँगफली की फसल में किया जाता है, जो कि बारिश के सीजन में किया जाता है, जिसमें कि ऊपर बादल न होने से लटों की जो है मात्रा काफ़ी अधिक संख्या में वाली लटें मिल जाती हैं, तो उसके मारने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और अभी फिलहाल हम लोग जो है इसमें जीरे की फसल में यूज़ करने वाले हैं, जो कि उसमें कुछ कुछ लटें और कीट वगैरह उसमें पनप गए जीरे की फसल के अंदर, तो उसको मारने के लिए हम लोग रिक्लेम जो कि इसका यूज़ करने वाले हैं। और अगर आप ये वाला नहीं लेना चाहते हो तो EM1 भी धानुका कंपनी की तरफ से आता है, उसको भी आप ले सकते हो, जो कि आपके ऊपर है, जिसमें कि कंटेंट सेम होना चाहिए। अब अगर आप किसी भी कंपनी का लेना चाहते हो ले सकते हो, कंटेंट आपको सेम मिल जाता है, जो कि इमामेक्टिन बेंजोएट 5 cc आपको कंटेंट मिल जाता है, वो वाला कंटेंट आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो। अब बात कर लेते हैं इसका यूज़ को, किस प्रकार से इसको यूज़ करना है। तो सबसे पहले अगर यूज़ की बात करूँ तो इसको कहाँ पर स्प्रे करना है उसके बारे में बता देता हूँ। तो अगर आपके किसी भी फसल में जो है छोटे छोटे लटे हैं, जो कि ग्रीन कलर की हो सकती है अथवा ब्लैक कलर की भी हो सकती है, और सबसे ज़्यादा इसकी समस्या जो है बारिश के सीजन में मूंगफली की फसल वगैरह में बहुत ही ज़्यादा संभावना मिलती है, क्योंकि उसमें ऊपर बादल होने से काफ़ी ज़्यादा संख्या में लटे की मात्रा रहती है, तो उसमें जीव पनपने की अधिक संभावना आती है, उसको मारने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं, जो कि इमामेक्टिन बेंजोएट जो है 5 cc आता है। और रेगुलर पंप में डाल के और इसका स्प्रे आप कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो तो डेफिनेटली। और इसका किसी भी फसल में अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो डेफिनेटली हर किसी फसल में इसका यूज़ कर सकते हो, जीरा हो गया, मेथी हो गया, अथवा मूँगफली की फसल में गेहूँ की वगैरह, जिसमें भी आपको जो है ग्रीन कलर की लटें अथवा ब्लैक कलर की लटें अंडी वगैरह की फसल में भी आपको मिल जाती है, तो उसको मारने के लिए इसका यूज़ डेफिनेटली अगर आप करना चाहते हो तो डेफिनेटली कर सकते हो। और इसके रिजल्ट की बात करें तो आपको तकरीबन 24 घंटे के अंदर अंदर इसका रिजल्ट मिल जाएगा, जो कि अगर आप उसको मारना चाहते हो तो इसको स्प्रे करने के बाद में 24 घंटे के अंदर अंदर उसका जो है लटे वगैरह जो ख़त्म हो जाएगी, और तकरीबन 7 से 8 दिन तक दोबारा ये वाली पनपना नहीं देगी। तो ये है रेड कलम इमामेक्टिन बेंजोएट आता है, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से मिल जाता है। और अगर इसके यूजेज मात्रा की बात करें तो आपको तकरीबन ये वाला 100 ग्राम है, जो कि 15 पंप के अंदर डालना पड़ता है। 16 लीटर का जो रेगुलर पंप आता है स्प्रे पंप, उसके अंदर आपको 15 पंप जो डालना पड़ता है, अभी आपका काम करेगा। तो ये है रेड कलम इमामेक्टिन बेंजोएट। आई होप आपको वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पास में जो बेल आइकन है उसको भी मैनेबल कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलता हूँ इसी तरह से अगले वीडियो में।